ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त मोहिनी मंत्र देने वाला हूँ जो कि आपके बिगड़े हुए काम कुछ ही दिनों में बना देगा। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुमे नमः। अर्थात इस जगत में जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जो गुरु है वो शिष्य को नहीं ढूंढता। यदि शिष्य में वो क्षमता है, वो काबिलियत है, तो गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी मंत्र को दिलो जान से चाहते हैं कि बस मुझे कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो आपको मंत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी, वो मंत्र स्वयं आपको ढूंढ लेगा। एक ऐसा ही अनुभव जो मंत्र है वो मुझे मिला, और जब मैं कामाख्या गया था तो उससे पहले मैंने ये मंत्र बहुत बार सुना था, लेकिन कभी मैंने इसका प्रयोग नहीं किया क्योंकि मुझे ये मंत्र बड़ा छोटा सा लगता था कि ये जो मंत्र है 3 शब्द का, इससे क्या ही होगा। तो थोड़ा सा जो है दिल दिमाग में थोड़ा सा ऐसा था कि इस मंत्र को रहने देता हूँ। मैंने बार बार इसको देखा लेकिन मैंने इसको रहने दिया। और जब शिविर हुआ महातांत्रिकों का, जब पूरी दुनिया से तांत्रिक मिले, तो उनमें जब बैठकर बात हुई तो जो मंत्र निकल कर आया वो एक छोटा सा मंत्र था, और मैं अचंभित हो गया कि ये तो वही मंत्र है जिसे मैंने अनदेखा कर दिया था। और इस तरह के ही गुप्त मंत्र जो कि 3 अक्षरीय होते हैं, छोटे मोटे बिल्कुल ही, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे वो इतने प्रभावी नहीं लगते। लेकिन ये जो मंत्र था ये मैंने लाखों बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी जो मेरा विश्वास था वो इस पर था नहीं, तो मैंने इसको एक कोने में रख दिया और इस पर कभी रिसर्च भी नहीं हुआ। लेकिन जो इस पूरे ब्रह्मांड में तांत्रिक फैले हुए हैं उन सब के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त है कि देखते ही देखते किसी को भी आपके अनुकूल कर देगा। एक ऐसा मंत्र जो कि अपार शक्ति का धनी है। इसमें माँ कामाख्या हैं, काली देवी हैं, और इसमें शक्तियाँ भर भर के रखी हुई हैं। आप बस इसको एक बार कीजिए और फिर देखिए, सामने वाला जो है वो नतमस्तक हो जाएगा। जब मैंने इसके बारे में ज्ञान लेना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि लाखों लोगों का काम इससे बना है। बहुत ही छोटा मंत्र है और इसकी विधि जो है वो बड़ी ही सरल है, कोई भी कर सकता है। तो आइए इसकी साधना के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे करना है। जो भी इच्छुक, जो भी साधक इस मंत्र का प्रयोग करना चाहे वो अपने आप को सात्विक कर ले। धुले हुए वस्त्र पहने, मांस मदिरा का सेवन छोड़ दे, और आज से जो है सावन लग गए हैं तो आप आज से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा और सावन, ये जो दो चीज़ें एक साथ, इनका जो संगम है, इस पे यदि आप इस तंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपकी वाहवाही हो जाएगी। जहां जाएंगे वहां आपकी जय जयकार हो जाएगी। आपको क्या करना है, सात्विक रहना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, अपने विचारों पर ध्यान करना है, और किसी एकांत स्थान में या फिर जहां जो भी काम आप करते हो उसमें मग्न रहिए। लेकिन इस साधना को 1 घंटा 2 घंटा दीजिए प्रतिदिन, जब तक सावन चले तब तक इस साधना को कीजिए, और उसके बाद आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होने शुरू हो गए हैं। आज कोई क्लाइंट था मेरा, तो उसने मुझसे बात की तो उन्होंने कहा कि आपके जो वीडियोस हैं वो मैं सह परिवार देखता हूँ, तो बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो मेरे वीडियोस हैं वो सह परिवार देखे जाते हैं। और मैं ऐसा
ऐसी कोशिश भी करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो कि सह परिवार देखा जा सके, जिसमें कि छुपाने वाला कुछ ना हो। तो आपको ऐसे ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र मिलेंगे जो कि छिपे पड़े थे हमारे पास ही, लेकिन उनको उजागर करने के लिए जो एक शक्ति चाहिए थी, वो प्रभु ने एक आधार बनाकर मुझे भेजा है कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने प्रकट कर सकूं, उन्हें कहीं से भी ढूंढ के आपके सामने ला सकूं। तो मेरे संग्रह में से आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको वो ही प्रयोग में लाएं जो कि साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर विश्वास नहीं होगा वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। अधिक विश्वास के साथ इसको कीजिएगा और फिर देखिए, आपको सिर्फ वशीकरण नहीं, आपको बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मंत्र है। मतलब कि जहाँ आप हाथ डालेंगे वो काम आपका होना शुरू हो जाएगा, रुके हुए आपके काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई काम नहीं होगा कि उसमें आपको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पर मैं पीछे रह गया। आप जहाँ हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको तरक्की ही मिलेगी, बंद दुकानें खुल जाएंगी, व्यापार आपका चल पड़ेगा। बस इस मंत्र की आपको जो है साधना कर लेनी है। इसे मोहिनी मंत्र कहिए, काला तिलिस्म कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको वो सब दे सकती है जो आप कल्पना करते हैं। क्योंकि एक साधक जो है वो दो तरह से साधना करता है, एक उस परम तत्व को जानने के लिए और दूसरा इस संसार की भौतिक वस्तुओं का भोग करने के लिए। तो जो भी इच्छुक हैं इस संसार में लिप्त होने के लिए, जो चाहते हैं कि इस संसार की सारी सुख सुविधाएं उनको मिलें, तो वो ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, सात्विक हो जाएं, तो सुबह सुबह, अभी जैसे सावन लग गए हैं तो सुबह सुबह उठिए 3-4 बजे और किसी शिवालय में जाइए। वहाँ पर 1 घंटा जो पहला दिन आपका होगा, या आप ये पूरे दिन भी कर सकते हैं, जो आपके आज अब जो है 2 महीने का सावन है तो आप इस 2 महीने में भी कर सकते हैं। शिवालय में जाकर आपको 1 घंटा या आधा घंटा बिताना है, सिर्फ वहाँ पर बैठकर आपको ध्यान करना है। ध्यान कीजिए और उसके बाद घर आ जाइए। घर में कोई ऐसी जगह बनाइएगा, एक साफ़ सुथरा सा कमरा, हवादार, जहाँ पर आप ये साधना कर सकें। उसके बाद आपको अपने घर में आकर इस मंत्र का जितना अधिक हो सके, सिर्फ मंत्र बोलना है, इसकी संख्या पर ध्यान नहीं देना है। मंत्र है त्रीम, त्रीम त्रीम त्रीम, 3 बार त्रीम आपको ये बोलना है। और इसके बाद जब 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, 3 दिन हो जाए, जितना आप कर सकें, यथासंभव जितना आप कर सकें उतना कीजिए इस सावन में। और उसके बाद अपने जो भी दिनचर्या के काम है उसमें लग जाइए। इससे होगा ये कि आपके भीतर उस परमात्मा का अंश आ जाएगा, उस परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिव्य शक्ति को आपका पता लग जाएगा, वो आपकी तरफ देखना शुरू कर देगी। कई बार मुझसे पूछते हैं कि लोग क्यों पूजा करने वालों को ही लोग मतलब देखेंगे, क्यों दूसरों को क्यों नहीं देखते। तो देखते सबको हैं, लेकिन सब प्रिय नहीं बन सकते। भगवान का, भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका प्रिय बनना होता है। तो उनका प्रिय वही होगा जो उनके कहे अनुसार चलेगा। और उसी प्रकार जो लिखा हुआ है इस मंत्र को जो भी जाप करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के दुख कोसों दूर चले जाएंगे। चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कुछ भी हो, बस इस मंत्र पर इस सावन ध्यान लगा लीजिए। सावन में बहुत सारे मंत्र हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार इस मंत्र को जाप कीजिए और मुझे बताइए कि भोलेनाथ ने आप पर कितनी कृपा की है। माँ कामाख्या का ये मंत्र आपको वो सब दे सकता है, वो सिद्धियाँ दे सकता है जो कि इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। आप जहाँ तक सोच नहीं सकते,
ये मंत्र उससे भी कहीं आगे जा सकता है। तो इसी आशा के साथ कि इस सावन में आप इस मंत्र की साधना करेंगे, मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर कोई भी त्रुटि हुई हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप कीजिएगा 9999841625 पर, और आप info@mohiniwidya.com पर भी मुझे मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।